हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न चाट, जो बहुत ही ज्यादा इजी है और आप कोई भी पार्टी में इसे बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रियल जायका को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो आज का कॉर्न चाट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम कॉर्न बॉईल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 से 6 ग्लास पानी लिया है, उसको थोड़ा गर्म कर लिया है। उसमें 1 चम्मच नमक और मैंने यहाँ पे 1/2 किलो कॉर्न लिया है, स्वीट कॉर्न लिया है मैंने यहाँ पे, और इसे बॉईल करेंगे 5 से 10 मिनट। इसे बॉईल करने के बाद आप चेक कीजिए कि बॉईल हो गया है कि नहीं। अगर ये बॉईल हो गया हो तब इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच बटर डाल रही हूँ। बटर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा कॉर्न में। बटर मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें हमारे कॉर्न्स ऐड करेंगे जो हमने पहले से बॉईल करके रखे थे। ये बहुत ही ज़्यादा बटरी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब यहाँ पे हम 1 से 1.5 चम्मच मिंट की चटनी डालेंगे। अगर आपके बच्चे खाने वाले हैं तो मिंट की चटनी में स्पाइस ज़रा कम रखें। अगर आप स्पाइस बढ़ाना चाहती हैं तो आप स्पाइस बढ़ा सकती हैं। ये कॉर्न चाट की रेसिपी अगर आप अपने बच्चों के लिए बनाती हैं तो ये उनके फेवरेट हो सकते हैं। ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब इसमें चटनी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भूनिए। इसे अच्छे से भूनने के बाद इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करें, 1 चम्मच चाट मसाला, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे स्किप ना करें। इसे अच्छे से मिक्स करें। 3 चम्मच मायनीज लिया है मैंने यहाँ पे। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। आप देख सकते हैं मायनीज ऐड करने के बाद ये कितना क्रीमी और कितना खूबसूरत लग रहा है और इतना ही टेस्टी भी लगेगा ये। अब इसमें ज़रा सा नमक डालिए, क्योंकि ऑलरेडी चटनी में भी नमक है, चाट मसाला में भी नमक होता है और हमने कॉर्न में भी नमक डाला था, तो आप बिल्कुल चेक करके नमक ऐड कीजिए इसमें। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कुछ कोरिएंडर लीव्स, कुछ ग्रीन ऑनियन। अब हम इसमें फाइनली ऐड करेंगे चीज़। बच्चों को चीज़ बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें 1/2 चीज़ डाल देंगे और 1/2 चीज़ हम ऊपर से गार्निशिंग के टाइम पे डालेंगे। अब हमारा कॉर्न चाट रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और रियल जायका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ रियल जायका के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।